परेशानी हो गई वरना छोड़ दो। बड़े झूठ के भागीदार नहीं बनना चाहते थे क्योंकि हमारे बाबूजी ने हमें हमेशा सिखाया कि सच का सामना करो, परिणाम चाहे जो हो सच बोलने से मत डरो। लेकिन हम एक मां का विश्वास कैसे तोड़ें? अम्मा चाहे जो भी कहे रे, सच्चाई तो यही है कि भीष्म अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए ये हो सकता है इस विधवा साड़ी से हम छल्लन चाची को एहसास दिला सकें कि वो जो सोच रही हैं उनका भ्रम है। सब का है घर में आतंक का माहौल बना रखा है? चाय कहाँ है? है ऐसे का देख रही है? जाके चाय नाश्ता बना। घर में जवान मौत हुई है अम्मा, तो चूल्हा कैसे जला सकते हैं? पुलिस वाले ऐसे ही बकते हैं। अरे हम अम्मा है भीष्म की, हमें पता है उसने जो कुछ किया है जानबूझ के किया है, हमें सताने को किया है, इसलिए इस घर में मातम की कोई जरूरत नहीं है। मासूम बन रही है, जो कुछ हुआ है सब तेरी वजह से हुआ है। काहे पहनी सफेद साड़ी? हमसे पूछे बिना काहे ये रूप धरा तूने?
सफेद साड़ी पहन के हमारे विश्वास का मजाक उड़ाने आई है? बोल, अभी से हम तुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, किसी हॉल में नहीं रखेंगे। चल निकल हमारे घर से। मां, तेरी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अम्मा, निकल जा तू, अभी इसी वक्त निकल जा हमारे घर से। अम्मा, मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है जो आप उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही हैं? हमारी हर मुसीबत की जड़ तुम्हारी बेटी है, उसी की वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के भागा है। पता है हमें, जसोदा ने बताया, इसीलिए तो हम यहां आए हैं। आपका बेटा अगर भागा है तो मेरी बेटी विधवा के रूप में क्यों? हमने नहीं कहा इसे ये रूप धरने के लिए, अपनी मर्जी से धरा है इसने ये रूप, हमें सताने के लिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू जो हमारे विश्वास को चोट पहुंचाए और जो जी में आए वो करे। अम्मा, छल्लन चाची जो भी कर रही हैं, गुस्से में आकर कर रही हैं। इनके ऊपर जो मुसीबत आन पड़ी है, भगवान करे कभी किसी पर ना आए। अब नहीं चाहती ना कि हम यहां रहे, हम जा रहे हैं। रीत, ऐसे मत जाओ रीत, कम से कम देर भी तक तो रुक जाओ। समधन, हमने फैसला कर लिया है कि जब तक हमारा बेटा नहीं आ जाता, ये हमारे घर में नहीं रहेगी। अम्मा जी, आई। अम्मा जी, ये क्या गजब कर रही हो? रीत नहीं जाएगी, यहां इसी घर में रहेगी। अम्मा जी, रुद्र प्रताप सिंह जो कृषि मंत्री हैं, उनके घर से मून को देखने के लिए जल्दी लोग आने वाले हैं। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, ऐसे समय में अगर हम बहू को घर से निकालेंगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे? माँ जी, इसके यहां रहने से हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसके ना रहने से हमें बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे। रुक जाओ दुल्हन, दुल्हन, हमने गुस्से में जो कुछ कहा उसे भूल जाओ। चलो रीत, मान जाओ रीत, रुक जाओ ना। आखिर ऐसा क्या हुआ रीत जो साले साहब अचानक घर छोड़कर भाग गए? और ये सफेद साड़ी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। अब हम आपको कैसे समझाएं भाभी? ये लोग हमारे बाबूजी को जमानत दिलवाने के अपने वादे से ऐन मौके पर मुकर गए, तो हमने भी फेरे लेने से मना कर दी। इसीलिए सच बताने जा रही हो? बता दो उस माँ को सच जो अपने बेटे की आस में जिंदा है, उसकी इस आशा का गला मत घोटो रीत। इसी बात पर नाराज होकर भीष्म जी घर छोड़कर भाग गए, फिर पुलिस ने आकर बताया
कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन छल्लन चाची इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। रीत, जिस इंसान को तुमने अपना पति नहीं माना, तो आज उसके गायब हो जाने पर तुमने ये सफेद साड़ी क्यों पहनी है? क्यों तुम झल्लन चाची की हर जुम्म सह रही हो? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हें अपने बाऊजी को छुड़ाना है। दबाव बनाओ इन पर रीत। हम अपने बाऊजी को छुड़वाएंगे, हर हाल में छुड़वाएंगे। रीत, अम्मा ने ये साड़ी भेजी है, सफेद साड़ी बदल कर रंगीन साड़ी पहन लो। रीत, अपनी सास का यकीन जिंदा रखो, वो जिंदा रहेंगी। हिम्मत रखो रीत, सब ठीक हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? हमारे बाऊजी की जमानत कब होगी? ये बात कहां से आई? ये तो वैसे ही मिसाल बन गई, जैसे बारिश के मौसम में लू चल पड़े। हमने पूछा हमारे बाऊजी की जमानत कब होगी। हो जाएगी, जब अम्मा जी चाहेंगी तब हो जाएगी। कल हर हाल में हमारे बाऊजी जमानत पर छूट कराने चाहिए। हर हाल में छूट कराने चाहिए? मतलब तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, आपसे उसी जबान में बात कर रहे हैं जिस जबान में आप बात करते हैं। अगर हमारे बाऊजी कल जमानत पर नहीं छूटे तो झल्लन चाची के साथ साथ सबको पता चल जाएगा कि भीष्म प्रताप सिंह के साथ आखिर हुआ क्या था। तुम मुझे खुलेआम धमकी दे रही हो? हाँ दे रहे हैं, लेकिन इस समय आपके पास इस धमकी का कोई जवाब नहीं। आप हमें बारिश और लू की मिसाल दे रहे थे ना, वैसे ही आपकी हालत पर भी एक मिसाल है। सांप के मुंह में छछुंदर, इस वक्त आपका हाल भी कुछ वैसा ही। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। कल हमारे बाऊजी हर हाल में छूट जाने चाहिए। समय का फायदा उठा रही हो तुम, उठा लो। कल तुम्हारे बाऊजी छूट जाएंगे। आए, हमें भीसम की प्लेट काहे नहीं लगाई? भिंडी बहुत पसंद है भीसम को।
अम्मा जी साले साहब नहीं है, फिर भी उनकी प्लेट। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। हमसे नाराज होके कहीं दूर चला गया है। अब तो जब भीसम लौटेगा हम तभी खाना खाएंगे। अम्मा, ना जाने वो कब तक आएगा, खाना तो खाइए। पता नहीं कब तक का मतलब, कल जरूर आएगा हमारा बेटा। कल? अरे वो आकाश में हो या पाताल में, कल अपनी अम्मा के पास हर हाल में आएगा और हम उसी के हाथ से खाना खाएंगे। कल? क्यों? आई शंभू, कल हमारा जन्मदिन है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बेटे ने हमारा जन्मदिन हमारे साथ ना मनाया हो। आयु कितना भी नाराज हो, हमसे रूठा हुआ हो, पर हमारा जन्मदिन हमेशा हमारे साथ मनाता है और कल भी मनाएगा। कल तरह तरह के पकवान बनने चाहिए। अब भी हमको चने बहुत पसंद है, खीर भी उसे बहुत पसंद है। कल सब चीजें भीषम की मर्जी की बनेंगी और हम माँ बेटा एक साथ ही खाना खाएंगे। अम्मा, ये तो नाइंसाफी है ना। आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। आज कैसे खाएं हम खाना, इस सारी जिंदगी बच्चों के लिए बिता दी। मैं कैसे दिल चीर के दिखाएं कि कितनी चोट पहुंचाई है इस भीषम ने हमें। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो हमारे तो खानदान की आने वाली नस्लें ही खत्म हो जाएंगी। अरे हम मरेंगे तो कौन हमें कांधे पर लेकर जाएगा। कौन बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा। आपका सहारा है ना माँ। तू हमारा बेटा नहीं है, निकल जा हमारे घर से। भीषम के अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है हमारा। कितनी भी नफरत कर लो अम्मा, लेकिन खून का रिश्ता कोई झुठला नहीं सकता। उसका नाम भी मत लेना हमारे सामने कावेरी। वो मर चुका है हमारे लिए, मर चुका है। भैया को घर से मत निकालो अम्मा। निकल जा हमारे घर से, मर भी जाए तो हमारी चौखट पर वापस मत आना तू। जो जख्म भर चुके हैं उन्हें मत कुरेदो कावेरी। उसे हमने अपने दिल से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। अब तो अगर वो जलते हुए तवे पर खड़ा होकर भी हमारी कसमें खाए तो भी हम उसकी तरफ नजरें नहीं घुमाएंगे। कौन है जिससे जिससे झल्लन चाची का खून का रिश्ता है? कौन है जो झल्लन चाची का सहारा बन सकता है?